हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने प्लांटी किंगडम के बारे में बताया था, उसके फ्लो चार्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। प्लांटी किंगडम को जो डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो वो है जो कि डिफरेंशिएट किया गया अलग अलग प्लांट बॉडी में, एक को अलग अलग प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएट नहीं किया गया। जिसे अलग अलग प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएट नहीं किया गया उसे थैलोफाइटम रखा गया, और जिसे अलग अलग प्लांट बॉडी में डिवाइड किया गया उसके दो पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है। एक तो वस्कुलर टिश्यू वाले, एक विदाउट वस्कुलर टिश्यू वाले। विदाउट वस्कुलर टिश्यू वालों को ब्रायोफाइटा में रखा गया है, और जो वस्कुलर टिश्यू रखते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक है जो जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें टेरिडोफाइटा बोला जाता है, और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जो कि नेक्ड सीड्स बियर करते हैं, एक है जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं। जो नंगे बीज रखते हैं, नेक्ड सीड्स रखते हैं, उन्हें जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, और जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स रखते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म बोला जाता है। एंजियोस्पर्म को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जो दो कोटाइलेडोन रखते हैं, टू कोटाइलेडोन वाले, एक कोटाइलेडोन वाले। जो सीड्स के अंदर दो कोटाइलेडोन होते हैं उन्हें डिकॉट्स बोला जाता है, और जो सीड्स के अंदर एक कोटाइलेडोन होता है उसे मोनोकॉट्स बोला जाता है। आज के वीडियो में आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, द प्लांटी किंगडम इंक्लूड्स 5 डिविजन्स। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। हेडिंग डालिए किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स 5 डिविजन्स। कौन कौन से डिविजन है मैं आपको नाम लिखवा रहा हूं, फर्स्ट लिखिए आप लोग, बता देता हूं। थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। लिखिएगा थैलोफाइटा, THALO थैलोफाइटा, PHYTA थैलोफाइटा। सेकंड लिखिएगा आप लोग ब्रायोफाइटा, BRYOPHYTA ब्रायोफाइटा। थर्ड लिखिएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, PTERI टेरिडो, DOPHYTA टेरिडोफाइटा। ओके, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, GYMNOSPERMS जिम्नोस्पर्म, एंड फाइव लिखिए एनजियोस्पर्म, ANGIO एनजियोस्पर्म, SPERMS। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एनजियोस्पर्म। ठीक है, ये पांच डिविजन्स हो गए। सबसे पहले फर्स्ट डिविजन्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट आप लिखिएगा थैलोफाइटा, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूं। ठीक है, आपकी बुक के अलावा भी मैं कुछ आपको इंक्लूड करूंगा, आप लिखते जाइएगा थैलोफाइटा। भैया सुनिएगा, 9th क्लास के बच्चे सभी ध्यान से सुनिएगा, थैलोफाइटा जैसे कि ये जो डिवीजन है वो प्लांटी किंगडम का, और प्लांटी किंगडम के अंदर आपको पता प्लांटी किससे बना, प्लांट से, यानी कि जाहिर सी बात है इसके अंदर प्लांट्स को रखा गया है। जो प्लांट्स है वो क्या होते हैं, वेल डिफरेंशिएट बॉडी उनमें नहीं होती है, मतलब उसे वो प्लांट अच्छे से डिवाइडेड नहीं होते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में उन्हें रखा गया है। ठीक है, ये जो थैलोफाइटा बना है वो एक थैलस वर्ड से बना है, THALLUS थैलस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, थैलॉइड्स। ओके, थैलस मतलब थैलॉइड्स, यानी कि प्लांट की बॉडी। तो यानी कि प्लांट, इस ग्रुप में आने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हें एल्गा प्लांट बोला जाता है, और ज्यादातर वो प्लांट एक्वेटिक बोल सकते हो, या तो एक्वेटिक कैसे, या तो वो खारे पानी में, यानी कि खारे पानी को बोल सकते हो आप लोग, मैरिन वाटर बोल सकते हो आप, फ्रेश वाटर में भी वो पाए जाते हैं। ओके, प्लांट की जो बॉडी है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, चले आगे। चलिए जी, ये जो है वो थैलोफाइटा के अंदर रखे गए हैं, और जो वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इन प्लांट्स में वो एब्सेंट होते हैं, वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। ओके, चलिए जी, लिख लीजिएगा द प्लांट्स, लिखिएगा द प्लांट्स, जो मैंने हिंदी में अभी समझाया वो इंग्लिश में लिखूंगा मैं। जो प्लांट्स होते हैं, डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड, DIFFERENTIATED डिफरेंशिएटेड, द प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। ओके, डिजाइन, DESIGN डिजाइन, फुल
डिजाइन, एक सेकेंड, जो डिजाइन है वो इस ग्रुप में रखे गए हैं, फॉल इन दिस ग्रुप, ओके, इस ग्रुप में रखे गए हैं। दैट्स ऑल, ये जो है वो थैलस लाइक होते हैं, आगे लिखिएगा दे आर थैलस, TH ALLUS, थैलस लाइक, ओके, दे आर क्या लिखा, थैलस, TH ALLUS, थैलस लाइक, एंड इसलिए इन्हें सो आर कॉल्ड, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, थैलॉइड्स, TH ALLOIDS, थैलॉइड्स इन्हें बोला जाता है, ओके। इनमें ज्यादातर जो प्लांट है वो क्या होते हैं, एल्गा होते हैं, द प्लांट्स आर, जो प्लांट्स होते हैं आर इन दिस ग्रुप कॉमनली, क्या लिखा, द प्लांट्स आर इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में आने वाले जो प्लांट्स है वो उन्हें क्या बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड एल्गा, एक से ALGAE, एल्गा प्लांट्स उन्हें बोला जाता है, ओके, एल्गा प्लांट्स के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो इस ग्रुप में आने वाले प्लांट्स हैं एल्गा प्लांट्स बोलते हैं, ओके, एंड ठीक है। और कैसे होते हैं, आर एक्वेटिक, कैसे होते हैं वो प्लांट, एक्वेटिक, बोथ ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, मैरिन MARINE, मैरिन एंड फ्रेश FRESH, ओके, फ्रेश वाटर, तो क्या लिखा, उन्हें एल्गा प्लांट बोलते हैं और आर एक्वेटिक, यानी कि बोथ मैरिन एंड फ्रेश, यहां पर लिख देता हूं मैं वाटर, फ्रेश वाटर में भी वो पाए जाते हैं, क्लियर है, यही मैंने आपको बताया था, फुल स्टॉप इसके बाद लगा दीजिए, ओके, लगा दिया, चले आगे की तरफ। अब मैं आपको ठीक है कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इस ग्रुप के फीचर्स, तो यहां पर हेडिंग डाल सकते हो आप लोग फीचर्स, फीचर्स में राहुल सर अलग से आपको टॉपिक बनवा के लिखवा रहे हैं, फीचर्स, फीचर्स जो होते हैं इसके क्या क्या यूनिक इसमें चीजें होती है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और ये शायद ही आपकी बुक में आपको मिले, एक दो पॉइंट हो सकते हैं, है ना, दो तीन पॉइंट, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है जो आप लोगों को बताया जा रहा है, ओके। पहली बात तो ये डिविजन्स जो है ये वो प्रोकैरियोटिक या सिंपल यूकैरियोटिक प्लांट्स में कन्वर्ट किया गया है, फर्स्ट पॉइंट तो ए तो ये लिख सकते हो, दिस डिविजन्स, ये जो डिविजन्स है ठीक है वो कंपैरिजन किया गया है, यानी कि कंपैराइज़ ठीक है, दिस डिविजन्स कंपैराइज़, ओके, ऑफ सिंपल प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सिंपल प्रोकैरियोटिक और बोल सकते हो सिंपल यूकैरियोटिक, क्या लिखा, ये जो डिवीजन है वो सिंपल प्रोकैरियोटिक या सिंपल यूकैरियोटिक प्लांट्स होते हैं, ओके, तो ये जो डिवीजन होता है उन वो कंपैरिजन होता है किसका, सिंपल प्रोकैरियोटिक का या सिंपल यूकैरियोटिक का, ठीक है। आगे चले, प्लांट बॉडी जो होती है वो अनडिवाइडेड थैलस फॉर्म में होती है, वी पॉइंट आप लोग लिखिएगा, द प्लांट बॉडी जो होती है ठीक है वो क्या होती है, आगे लिखिएगा, इज इन द फॉर्म ऑफ, द प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ अनडिवाइडेड थैलस, क्या होती है, अनडिवाइडेड लिखिएगा, अनडिवाइडेड थैलस, थैलस मतलब उसका ऊपरी प्रोटेक्शन आप लोग बोल सकते हो, बॉडी बोल सकते हो, ओके, जो अनडिवाइडेड होती है ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि प्लांट बॉडी को डिवाइडेड नहीं किया गया है, सी पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट सी, मैं आपको बता दूं वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्लियर है, तो इसमें लिखिएगा द वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, वास्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें वो यूनिसेलुलर होते हैं, डी पॉइंट लिखिएगा,
द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द क्या लिखा डी पॉइंट में द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंपल एंड कैसे होते हैं यूनि सेलुलर। ओके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो वो सिंपल होते हैं यूनि सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें बात करें कि इनमें किसी भी तरीके का अगर रिप्रोडक्शन होता भी है सिंपल या यूनिसेलुलर तो होते ही है तो जो एम्ब्रायो बनता है यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार लगा देता हूं मैं इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। ये मैंने स्टार इस पर लगा दिया है ई वाले पॉइंट पर इसे ध्यान रखिएगा। लिखिएगा देयर इज नो एम्ब्रायो देयर इज नो एम्ब्रायो ई एम बी आर बाई ओ देयर इज नो एम्ब्रायो किसी तरीके का एम्ब्रायो का फॉर्मेशन क्या लिखा देयर इज नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होता है किसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके तो देयर इज नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन यहां पर किसी भी तरीके का एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके ये डिविजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डिविजन पे बढ़ेंगे थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। ओके चलिए जी नेक्स्ट लिखिए सेकेंड नंबर का ब्रायो बी आर वाई ब्रायो फाइटा पी एच वाई फाइटा पी एच वाई टी ए फाइटा। ओके तो सेकेंड नंबर का लिखिएगा ब्रायो फाइटा। ब्रायो फाइटा जो डिवीजन होता है थैलोफाइटा के अंदर बताया था मैंने इसमें प्लांट्स को अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं है। ब्रायो फाइटा जो है ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है। ये कैसा शब्द है ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ये जिसका मतलब ब्रायो और ब्रायो का मतलब क्या होता है आप बोल सकते हो मॉस। ठीक है मॉस जो होती है ना मॉस उसे मॉस को बोलते हैं। ब्रायो का मतलब मॉस होती है और फाइटा यानी कि फाइटा मिलकर बना है वो फाइटन से और फाइटन का मतलब होता है प्लांट यानी कि इसके अंदर मॉस वाले प्लांट को रखा गया है। ब्रायो का मतलब मॉस और फाइटा का मतलब फाइटन यानी कि प्लांट। ओके मतलब इसके अंदर जो इंक्लूड्स किए गए हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स को रखा गया है। बहुत ऐसे लैंड पर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जो इसके अंदर रखे गए मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इसके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है जिन्हें वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। ठीक है तो लिखिएगा ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा इज ए ग्रीक ब्रायोफाइटा इज ए ग्रीक वर्ड। ठीक है क्या है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है वेयर ब्रायो पी आर बायो। ओके तो ब्रायोफाइटा इज ए ग्रीक वर्ड वेयर ब्रायो का मतलब क्या होता है ब्रायो मींस क्या होता है मॉस एम ओ डबल एस। ठीक है मैं अंडरलाइन भी करूंगा। ठीक है एक तो ये हो गया वर्ड एक ब्रायो का मतलब क्या होता है मॉस ध्यान रखिएगा एंड ओके फाइटा पी एच वाई टी ए जो फाइटा है। ओके फाइटा जो मिलकर बना है फाइटा का मतलब हो गया मैं यहां लिख रहा हूं फाइटन पी एच वाई टी ओ एन फाइटन मींस प्लांट्स। ओके फुल स्टॉप। तो देखिए ब्रायो का मतलब मॉस और जो फाइटा है फाइटा का मतलब फाइटन और फाइटन का मतलब हो गया आप लोगों के प्लांट्स क्या हो गया प्लांट्स। चले आगे की तरफ। ठीक है तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। ठीक है जिसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है इट इंक्लूड्स। ओके आगे लिखिएगा इट इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट इट इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव पी आर आई एम आई टी आई वी। इसके अंदर क्या है सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव लैंड पर जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट्स को रखा गया है। ठीक है और दे आर टेरेस्ट्रियल फुल स्टॉप का लिखिएगा दे आर जो भूमि मतलब भूमि पर यानी कि रेगिस्तान वाले बोल सकते हो दे आर टेरेस्ट्रियल टी ई डबल आर ई एस टेरेस्ट्रियल टी आर आई एल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड रिक्वायर
क्या लिखा, दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है एंड रिक्वायर वाटर एट एवरी स्टेप, रिक्वायर वाटर एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए हर एक स्टेप पर उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की। चले इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, हेडिंग डालता हूं मैं इसके फीचर्स की, ओके, फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा के फीचर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये एक पहली बात तो एम्ब्रायोफाइटा होते हैं जो कि वस्कुलर टिश्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे आर एम्ब्रायोफाइटा, ई एम बी आर बाय ओ, एम्ब्रायोफाइटा, पी एच वाई टी ए, दे आर एम्ब्रायोफाइट्स बोल सकते हैं, एम्ब्रायोफाइट्स भी इन्हें बोल सकते हैं, दे आर एम्ब्रायोफाइट्स डेट, जो कि नहीं रखते हैं, डू नॉट हैव, डेट डू नॉट हैव वास्कुलर, ठीक है, क्या नहीं रखते हैं, वास्कुलर टिश्यू नहीं रखते हैं, ओके, जो कि वास्कुलर टिश्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। नाइदर जाइलम बोल सकते हो, एनई आई टी एच आर, नाइदर जाइलम, एक्स वाई एल यू एम, नॉर फ्लोएम, पी एच ई ओ एल ई एम, फ्लोएम, पी एच, एक सेकेंड, फ्लो, पी फ्लोएम, पी एच एल ओ ई एम, ठीक है। ना तो ये जाइलम रखते हैं और ना ही ये कौन से टिश्यू रखते हैं, जाइलम, एक्स वाई एल ई एम, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू किसी भी तरीके के टिश्यू नहीं रखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे ब्रायोफाइटा के फीचर्स के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन टूडेज वीडियो, लास्ट वीडियो एंड 5 days अगो वीडियोज, 1 month अगो वीडियोज, सो यू कैन इजिली टू डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम, सो रिलेटेड टू योर नोट कॉपी एंड वीडियोज एंड क्वेश्चंस आंसर, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज से रिलेटेड हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, जैसा कि आपके स्कूल जो है क्लासेस भी रनिंग में है, ठीक है, तो क्लासेस भी लेते रहिए, ओके, और जो भी डाउट है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं राहुल सर से एट एनी टाइम, ठीक है, थैंक यू।